हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर इज़ मैटर। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही सुंदर या आप कह लें बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आज हम चलने वाले हैं पचमढ़ी ट्रिप पर। जब आप पचमढ़ी हिल से 40 किलोमीटर दूर रह जाते हैं तब आपको ये घनघोर जंगल देखने मिलेगा जो है हमारा सतपुड़ा के जंगल। घनघोर हैं बट बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके चारों ओर जो आपको पेड़ देखने मिल रहे हैं ये सागौन के पेड़ आपको देखने मिलेंगे और जंगल से ये बीचों बीच एक रास्ता जाता है जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत है। यही रास्ता हमको हमारी मंजिल पचमढ़ी हिल स्टेशन लेकर जाएगा। जब आप इस रास्ते से गुजर रहे होंगे तो ये देखिए आपको ये खाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह यहाँ मिलेगी जो कि आपको महाराष्ट्र की स्पेशल भाकरी आपको यहाँ मिल जाएगी और इनको आप खाते हुए अपने ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रकृति की गोद में ये खाते हुए बहुत ही अच्छा अनुभव फील होगा। देखिए सभी बच्चे हेलो हाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों के साथ भी आइए तो आपको काफ़ी अच्छा एक अनुभव आएगा। कई बार आपको यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी मिल सकती है बट हमें उससे घबराना नहीं क्योंकि हम प्रकृति की गोद में हैं। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं और हम पचमढ़ी में एंटर कर गए हैं। यहाँ पर पचमढ़ी में आपको लोकल टूर करने के लिए जिप्सी हायर कर सकते हैं आप, जिसका मैक्स किराया जाता है 3000 तक। आप इस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, 2000-1800 तक कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि आपकी लोकल टूर के लिए बुक हो जाएगी और इसमें काफ़ी अच्छा भी लगता है घूमने में, ख़ास तौर से बच्चों को, क्योंकि यहाँ हरियाली ही हरियाली है तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला ही है। तो अभी हमें जिप्सी वाले भैया ले जाने वाले हैं पांडव गुफा। तो ये पांडवों के द्वारा गुफा बनाई गई थी। यहाँ पर आपको गार्डन भी नीचे मिल जाता है घूमने के लिए। जब पांडव अपने अज्ञातवास पर घूम रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी और शिव शंकर की आराधना की थी। तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत है अपने आप में, आप देख भी सकते हैं यहाँ से, ये टॉप से व्यू हमारा हम शो कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ख़ास तौर से जब बारिश होती है तो आपको देख कर ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी चिकनी हो चुकी हैं यहाँ की पत्थर, तो आपके या बच्चों के गिरने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जब भी आएँ तो वेरी वेरी केयरफुली आप इसको आगे की ओर चढ़ाई करें। देखिए कितने सकरे रास्ते हैं यहाँ पर, तो कृपया बहुत ध्यान से चढ़ें। और यहाँ पर आपको बरसाती भी मिल जाती है, अगर बारिश आती है तो आप 20 से 25 रुपए में ये पॉलिथीन कवर बैग ले सकते हैं, जिससे कि आप अपना मोबाइल एंड क्लॉथ सब सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी लोकेशन पर जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने मिलेगा। ये हमारे रास्ते का व्यू है, जब आप जिप्सी में जाएंगे और ओपन जिप्सी में जाएंगे तब आप ये मोमेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ और बीच में जंगल में से निकलती हुई जिप्सी, अरे वाह क्या कहने। ये देखिए यहाँ से आप जिप्सी से धूपगढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं जो कि टॉप है हमारे एमपी का। ये देखिए हाईएस्ट पीक है 4429। अब हम चल पड़े हैं गुप्त महादेव मंदिर की ओर। ये गुप्त महादेव मंदिर में जिसकी शरीर की बॉडी इस लायक है जैसा आप सामने देख पा रहे हैं तभी आप इसमें एंटर कर पाएंगे, नहीं तो सॉरी ये आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ रास्ता काफ़ी ज़्यादा सकरा है। और यहाँ देखिए आपको ये व्यू देखने मिल जाएगा।
यहाँ पर काफ़ी अच्छे शंकर जी के मंदिर बने हुए हैं जो अपने आप में प्रकृति की गोद में हैं। यहाँ जैसा ये आप पेड़ देख पा रहे हैं, ये बनाया ट्री प्लांटेड है जो कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लगाया गया था। हम ये राजेंद्र प्रसाद गार्डन है जिसमें हम अभी आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए गए हैं। आपको एक बार इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और यहाँ से आप जो हमारा टेंपल है एक जो कि पचमढ़ी में सबसे टॉप पे है, उसका व्यू भी आप यहाँ दूरबीन के द्वारा ले सकते हैं, जिसका दूरबीन से देखने पर आपको कॉस्ट 10 रुपये आता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये जटाशंकर केव्स हैं। ये सारे टूर्स हमारे जिप्सी में ही कवर हो जाते हैं। ये डिफरेंट लोकेशन है। ये देखिए, जटा महादेव के लिए आपको इस तरह से नीचे जाना होगा क्योंकि काफ़ी अंदर गुफाओं में आप चलते जाएंगे जो कि आपका 15 से 20 मिनट्स लगेगा, तब आप यहाँ पर शंकर जी के दर्शन कर पाएंगे जो कि एक बड़े से पहाड़ के बीच में है। और ये पत्थर जो यहाँ लगा हुआ था, चलिए देखते हैं अब जिप्सी वाले भैया हमको कहाँ ले जाते हैं। तो हम जा रहे हैं अप्सरा बिहार। तो अप्सरा बिहार के लिए आपको बाइसन लॉज एक जगह है, वहाँ से सब ये आपका बिलिंग होती है, इसके लिए पर्ची कटेगी आपकी, तभी आप ये जा पाएंगे क्योंकि ये नेशनल पार्क के एरिए में आता है। तो आपको जाना है बाइसन लॉज और वहाँ से पर्ची कटा लेना है। तो आपको सिल्वर फॉल, अप्सरा बिहार, बी फॉल्स, ये सारे कवर हो जाते हैं। यहाँ पर जिप्सी ही जाती है मोस्टली, तो आप जिप्सी के द्वारा ही यहाँ जा सकते हैं। इसका किराया आपका 2200 रुपये से, अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा मैक्स लग सकता है क्योंकि कई बार भीड़ होने से प्राइवेट को अलाउ कर दिया जाता है। तो आप भी जाइए और बिल्कुल इंजॉय कीजिए इस मोमेंट को जैसे हम लोग कर रहे हैं। और आप पैदल ट्रैक को चुनिएगा, पैदल ट्रैक काफ़ी खूबसूरत है और जंगलों के बीच में है जहाँ कोई ना ही आता ना जाता। अप्सरा बिहार में यहाँ पर आपको एक नीचे पानी की जलधारा मिलती है जहाँ आप चाहें तो आप नहा भी सकते हैं, और जो कि पहाड़ से पानी आ रहा है तो काफ़ी फ्रेश ये वाटर है, आप इसके मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे वीडियोस देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अभी हम आपको लेके चलने वाले हैं ये कुछ पहाड़ों की ओर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये बड़े बड़े पहाड़ देखिए आप, जो आपको दिख रहे हैं सामने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड press the bell icon. Thank you so much.